गेमिंग यूट्यूबर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। जो हमारे छोटे क्रिएटर्स होते हैं, खासकर गेमिंग वाले, हमारे इंडिया में तो फ्री फायर पबजी इन गेमों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आने वाला है और आ भी रहा है भाई। मैं देख रहा हूँ भाई, जो हमारा 2020 वाला क्रेज़ था वो क्रेज़ फिर से आने वाला है, शायद 2024 25 26 तक में आ जाए। तो मैं आज आपको यही बताने वाला भाई, जो हमारी ये गेमिंग यूट्यूबर्स होते हैं इनको भाई 1 से 10 या 30 डेज़ के अंदर मैं इनको अच्छे खासे व्यूज़ सब्सक्राइबर इनका चैनल मोनेटाइज कराऊँ, अच्छा खासा पैसा दिलवाऊँ। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, जो हमारे छोटे क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए भाई मैं अच्छे से अच्छे एकदम 30 डेज का चैलेंज लाया हूँ, जिस चैलेंज में उनको मैं 100% से 100% व्यूज़ और सब्सक्राइबर दिलाने वाला हूँ और खासकर चैनल मोनेटाइज कराने वाला हूँ। तो इसमें जो टास्क हमारा होने वाला है वो टास्क 5 से 6 स्टेप में होने वाला है। इसमें मैं आपको A to Z गेमिंग के बारे में सब कुछ सिखाने वाला हूँ, जो एकदम नॉर्मल से एकदम लो करेक्टर से आपको मैं एकदम हाई करेक्टर में डालने वाला हूँ। तो एकदम सोच लो, आपको अगर वीडियो एकदम अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको कुछ समझ में आने वाला है, अगर नहीं आता तब भी अगर आपकी इच्छा पड़े तो कर देना और लाइक भी जरूर से कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एकदम नॉर्मल, मैं शुरू कर रहा हूँ एकदम लो से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना यूट्यूब चैनल खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल की, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरा ये गेमिंग का चैनल है, मेरा गेमिंग चैनल है नहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने जितने वीडियोस करी 4 से 5 व्यूज आ रहे, कभी 1000 आ जा रहे हैं, पर वो जो हमारे व्यूज़ हैं वो हमारी शॉर्ट फीड में नहीं जा रहे, कहीं अदर फीचर से आ रहे हैं। तो इसमें हमें इसमें शॉर्ट फीड कैसे डालें, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ प्लस वाले आइकन पे जाते हो, सीधे आपको क्या करते हो यहाँ पे शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हो, पर आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको शॉर्ट ऑप्शन पे नहीं जाना, आपको यहाँ पे वीडियोज़ के ऑप्शन पे आना है। वीडियोज़ के ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे जो आपकी वीडियोज़ रहेगी उसको आपको ले लेना है, पर हमेशा आपको अगर लॉन्ग से भी अपलोड करते हो तो आपको शॉर्ट ही अपलोड करनी है, शॉर्ट से लॉन्ग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहा। अब अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड, जैसे कि मेरी यहाँ पे वीडियो से एक आप देख रहे हो, इस वीडियो का हमें टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, ये हमें किस ऐप से किस हिसाब से और किस प्रकार से लेना चाहिए। अब जैसे कि हमारे गेम में, मैं फ्री फायर की बता रहा हूँ, तो इसमें हमारे इसमें एक ब्राज़ील प्लेयर जिसका लगता है M1NX के नाम से कुछ बंदा है, वो इस समय ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि एक समय राइस्टार चल रहा था, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक टाइटल आपको बताता हूँ उसी हिसाब से आपको एकदम रिएक्शन टाइटल रखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ M1NX VS वेस्ट हैकर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, 2024-25 कुछ भी डाल सकते हो, इस हिसाब से आपको टाइटल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जब हमारा हैकर आता है यहाँ पे एक हमें इमोजी डालने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक नॉर्मली हम इमोजी डालते हैं, कौन सी कोई सी भी डाल देना, जैसे कि मैं ये वाली डाल देता हूँ। इसी प्रकार से 2-3 आपको इतने कम से कम 10 से 15 नॉर्मली एक शब्द का कीवर्ड रखना है आप लोगों को, और उसमें भी आप लोगों को सबसे ज़्यादा नॉर्मली इमोजी डालने, ठीक है ना। उसके बाद इसी टाइटल को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, और उसके बाद आपको थोड़ा नीचे, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन पे आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि ये वाला मेरा टाइटल, जो मैंने अभी टाइटल लिखा उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नॉर्मली गेमिंग बेस्ट हैकर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने हैकर्स लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें जो हमने यहाँ पे जो अभी हमें टाइटल लिखा, ठीक है, इस टाइटल को हमें कॉपी करना है। कॉपी इस प्रकार से करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी प्ले स्टोर पे या गूगल प्ले, नॉर्मली क्रोम ब्राउजर पे, अगर नाम एप्लीकेशन का यू टूल है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, या मेरे डिस्क्रिप्शन से ले भी सकते हो। तो यहाँ से यू टूल आपको आना है। यू टूल पे आने के बाद यहाँ से आप देखोगे तो एक कीवर्ड सजेस्ट्री का एक AI कंटेंट क्रिएटर, आपको हमेशा नॉर्मली AI कंटेंट क्रिएटर पे जाना है। जैसे कि यहाँ पे AI कंटेंट क्रिएटर होगी, यहाँ पे हमें पेस्ट करके इसको सर्च कर देता हूँ, ठीक है ना। सर्च करने के बाद यहाँ पे इस ये हमसे भी अच्छा है, मेरे से भी सोच के हिसाब से AI के हिसाब से अच्छा एकदम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कीवर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। इसी कीवर्ड्स को आपको कॉपी करके यहाँ पे हम जो अपने टैग्स था, ठीक है ना, यहाँ पे जो हमने बेस्ट हैकर लिखा था उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसकी लिंक एक बार आती है तो इसकी जनरेट फॉर, तो इसको आपको कट कर देना है। उसके बाद आपको इसको बैक आना है, यहाँ से आपने इसको तो पब्लिक नॉर्मली अनलिस्ट किया होगा अभी, ठीक है ना, अनलिस्ट पे कभी मत करना पब्लिक वो, ठीक है ना, आपको अनलिस्ट होगा अभी पब्लिक नहीं करना। उसके बाद हमने जो यहाँ पे टैग्स है, टैग्स पे हमें एक चीज़ डालना, ठीक है ना। यहाँ से जो हमने आगे, तो यहाँ पे हमने एक एक जो वहाँ से कीवर्ड था, ठीक है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने जो डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया, तो यहाँ पे हमने जैसे ये M1NX है, ठीक है ना, इसको कॉपी करके हमको इसको अपने टैग्स पे यहाँ पे आके इसको सेंड कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी कीवर्ड्स वहाँ पे थे डिस्क्रिप्शन मैंने अभी पेस्ट करा है, उसी को आपको यहाँ पे टाइटल पे नॉर्मल टैग्स पे पेस्ट कर देना है। टाइटल तो हमने पहले भी लिख चुका है। उसके बाद यहाँ से हमें सेव कर देना है, ठीक है ना।
सेव करने के बाद यहाँ पे आपको अनलिस्ट अपनी वीडियो रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक टाइम सोचना पड़ेगा जिस समय आपकी ऑडियंस ज़्यादा रिलैक्ट भी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं अपने YT स्टूडियो पे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने दूसरे अकाउंट पे चलता हूँ जिसमें मैं आपको वो नॉर्मली गेमिंग के बारे में बताने वाला हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप पहुँच जाओगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे एनालिटिक्स ऑप्शन पे आना है। एनालिटिक्स के ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे कंटेंट पे जाना है, और अगर कंटेंट पे आपको यहाँ पे कुछ सर्च वाला मिल रहा है जैसे कि हाउ टू व्यूज फाइंड शॉर्ट्स, इस प्रकार के यूट्यूब सर्च मिल रहा है, तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल व्यू पे आपको जानना है। यहाँ पे आप जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे वेयर व्यूज आर ऑन यूट्यूब, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन खुला हुआ मिल जाएगा। मेरा तो अभी नहीं खुला है, मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, पर एक ऑप्शन खुल जाएगा। उसी ऑप्शन को आपको देख के जिस हिसाब से होगा 5:30, 6:00, 7:00 सुबह के 7:00 उसी हिसाब से आपको अपनी वीडियोस पब्लिक कर देंगे। उसके नॉर्मली इसी प्रकार से अगर आप डेली 70-30 डेज या नॉर्मली 2 मंथ 1 मंथ अपलोड करते हो वीडियो डेली, तो आपकी वीडियो 100% ग्रो होने वाली। इतना मेरे आप ट्रिक वर्क कई बार कर लो, अगर नहीं होता है तो देखो मैं आपको दूसरी वीडियो समझा दूंगा, उसमें आपको एकदम 100% या तो मैं आपका चैनल भी कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, अपने चैनल पे आपका लिंक भी दे दूंगा जिससे आपकी वीडियोस पे व्यूज भी अच्छे खासे हैं, सब्सक्राइबर मिले और वॉचिंग टाइम भी मिले। तो एक बार सोच लेना जिससे आपकी पसंद आए, और एक बार लाइक जरूर कर देना, मैंने इतनी अच्छी चीजें बताई। बाय बाय, टाटा, सी यू।